अगस्त ये आप देखें कांग्रेस पार्टी की ये गौरव यात्रा शुरू हो चुकी है। हाथों में तिरंगा है और ये यात्रा सापला से शुरू होकर के इस्माइला तक जाएगी और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं वो इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। आज अगस्त क्रांति है जहां आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने ये आजादी गौरव यात्रा शुरुआत की है। हाथों में तिरंगा है, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें, तो ये सीधी तस्वीरें हैं सापला से जहां छोटू राम संग्रहालय से ये यात्रा शुरू हुई है और ये यात्रा इस्माइला गांव तक जाएगी। पैदल यात्रा है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ये गौरव यात्रा आज शुरू हुई है और एक दिन की इस यात्रा की शुरुआत सापला से हुई और फिलहाल इस्माइला तक ये यात्रा जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें हैं, देखे आजादी को लेकर, आजादी के 75 साल होने पर इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। हालांकि भारत सरकार हर घर तिरंगा इस 75वें आजादी महोत्सव पर हर घर तिरंगे की योजना चला रही है, वही कांग्रेस पार्टी ने गौरव यात्रा की शुरुआत की है। महिलाएं भी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी हैं, पूर्व विधायक जयतीरथ दैया हैं, पूर्व विधायक संत कुमार हैं, तो ये सभी इस यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं, तो आनंद सिंह डांगी साहब, गौरव यात्रा की शुरुआत की आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे? गौरव यात्रा की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? गौरव यात्रा ये है जो आज सारे देश में 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी का संघर्ष और कुर्बानी महात्मा गांधी के इसकी वजह से आज सारा देश अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हर घर तिरंगा याद, भारतीय जनता पार्टी को भी तिरंगा याद आया है। कोई तिरंगा वरंगा उनके उनकी कोई श्रद्धा नहीं, कोई आस्था नहीं, आज तक उनके दफ्तर पर भी किसी पे भी तिरंगा झंडा देश का नहीं है। तो अभी आनंद सिंह डांगी जो कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है आज़ादी की यात्रा में, उसको लेकर के ये जश्न मनाया जा रहा है, तो इस यात्रा की शुरुआत है। सरकारें, संगठन सभी 75वीं साल की सालगिरह मना रहे हैं, बात की खुशी है।
लेकिन अब भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल कर रहे हैं वो अपनी जगह है। महंगाई, बेरोजगारी, सारे जो मुद्दे हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह लड़ाई। हमें तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी के हैं, ये आजादी गौरव यात्रा उन्होंने शुरू की है और हमने उनसे बात की, उन्होंने बिल्कुल बेबाक तरीके से कहा, देश में कोई भी सरकार हुई, चाहे किसी की भी सरकार रही, देश के विकास के लिए सभी लोगों ने काम किया है और इसी वजह से आज देश तरक्की कर रहा है।